हेलो एवरीवन, आज मेरे पास एक डेल का लैपटॉप रिसीव हुआ है। मॉडल नंबर इधर पे देख सकते हो, मैं भी देख रहा हूँ, ये मॉडल नंबर है। ठीक है, मैं फोकस कर लेता हूँ, वन सेकेंड। यस, मॉडल नंबर है P90F205। ओके, डेल का है। लैटिट्यूड वगैरह नहीं है, इंस्पिरॉन का मॉडल है। ठीक है, कॉमर्शियल लैपटॉप नहीं है, नॉर्मल जो हमारा कस्टमर नॉर्मल यूज़ करता है वैसा लैपटॉप है। इसका प्रॉब्लम है नो पावर में है बोला गया है। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ मैं इसका क्या स्टेटस है। देखो, मैं ओरिजिनल जो डेल का PSID वाला कनेक्टर है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इधर पे 19 वोल्ट सेट है। मैं जब इधर से इंजेक्ट कर रहा हूँ, इधर पे देखो 20 मिलियम्स इसका कंजम्पशन है। ठीक है, इसका मतलब 3-5 तो हमारा बन रहा है, 19 वोल्ट भी बन रहा है। LDO सेक्शन ओके है, ये हम बता सकते हैं। बट अगर मैं पावर बटन प्रेस करूँ, ठीक है, इधर पे देखो कोई भी करंट का थोड़ा सा उठा रहा है, 22 हो रहा है, 20 से 22 हो रहा है, ये देखो। बट उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है और मदरबोर्ड स्टार्टिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा जो SIO है वो पावर बटन को रीड नहीं कर रहा है। ओके, तो सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है, हमारा BIOS स्टक हो चुका है। ठीक है, BIOS अगर हम लोग रिसेट कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, कस्टमर का कहना है ये लैपटॉप उनका 2-3 महीने से बंद था, उसके बाद आज चलाया तो ये पावर ऑन नहीं हुआ। ठीक है, चार्ज वगैरह भी नहीं हो रहा है। अगर इसका इधर पे एक इंडिकेशन है, पावर लाइट है, अगर इसका बात मैं बोलूं, ठीक है, इधर पे आप देखो थोड़ा सा, एक बार लाइट ब्लिंक करता है उसके बाद ये एक बार लाइट ब्लिंक करके वो छोड़ रहा है। ठीक है, इधर पे लाइट ऐसा ही दिख रहा है जो मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो हम लोग मदरबोर्ड को ओपन कर लेंगे और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो वीडियो इधर ही पॉज करते हैं और डेस्क में मिलते हैं मदरबोर्ड के साथ। ठीक है, देख सकते हो मैंने लैपटॉप को ओपन कर लिया है, थोड़ा डस्ट वगैरह है, ऐसा कुछ भी क्या बोलते हैं, वाटर डैमेज वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इस साइड से ओनली। ओके, तो हम लोग पहला जो स्टेप है उसे हम लोग परफॉर्म करेंगे, बिकॉज देखो इधर पे कोई भी हमारा RTC का सेल तो लगा नहीं है। ठीक है, सो हमें पहला जो इसका बैटरी है उसे एक बार हमें ओपन करना होगा और देखना होगा विदाउट बैटरी इसका क्या कंडीशन बन रहा है। ठीक है, तो मैं इधर से खोल लेता हूँ, मेरा स्क्रू ड्राइवर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। यस, ये हम लोग बैटरी खोल लिया, DC जैक वगैरह ओके है, कोई दिक्कत नहीं है DC जैक वगैरह में। तो एक बार देखते हैं विदाउट बैटरी इसका क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, थ्री एम्पियर ओके है। ठीक है, 9.5 वोल्ट बना लेता हूँ। ठीक है, 19 वोल्ट इनफ है, 19.5। तो अभी इंजेक्ट किया मैंने, वही सेम करंट कंजम्पशन है, 20 मिलियम्स। पावर बटन दबाया फिर भी पावर ऑन नहीं हुआ भाई। ठीक है, ये सेम कंडीशन पे स्टक है मदरबोर्ड। तो BIOS वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये क्या प्रॉब्लम है हमें देखना पड़ेगा, क्यों मदरबोर्ड ट्रिगरिंग नहीं ले रहा है इसका। तो अभी तो मदरबोर्ड ओपन करना पड़ेगा, इस वाला सर्किट में हमारा पावर बटन है। ठीक है, ठीक है, चलो एक बार मदरबोर्ड को ओपन करके फिर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, बिकॉज लीड वगैरह का भी इशू हो सकता है। ठीक है, पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंक्लूशन पे जाएंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या वोल्टेज वगैरह बन रहा है इसके साथ साथ। चलो, ये मदरबोर्ड मेरे पास सितंबर में आया था, ये मशीन। ओके, यही मशीन है, सेम मशीन, मैंने हिंज रिपेयर किया था, इसे देख के मुझे याद आया। कस्टमर भी बोल रहे थे एक बार इधर से रिपेयर हुआ था हमारे शॉप से, सो तभी हिंज रिपेयर था, सितंबर में किया था। ठीक है, तभी तब से एक मंथ चलाने के बाद से उन्होंने छोड़ दिया इसे यूज़ करना, उसके बाद फिर से चलाया था, ऐसा प्रॉब्लम। तो मॉइस्चर वगैरह के कारण से भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो हम लोग नहीं जानते कुछ भी, सो हमें तो नॉर्मली चेक करना पड़ेगा।
ओके, हमें हिंज भी ओपन करना है इसके साथ साथ। ये फोल्ड होके निकल जाएगा, उसके बाद निकलेगा हमारा। 19 वोल्ट बोर्ड में प्रेजेंट है, 3-5 भी मोस्ट प्रोबेबली हमारा बन ही रहा होगा, नहीं तो 20 मिली एम्स का कंजम्पशन नहीं है होता, ठीक है। 20 मिली एम्स का कंजम्पशन मतलब 3-5 हमारा बन रहा है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अगर एलडीओ प्रेजेंट होना चाहिए तो एलडीओ, और मुझे लगता है एलडीओ से भी ज़्यादा इसका जो ऑलवेज वोल्टेज है वो कॉइल का वोल्टेज भी मिल रहा होगा, जो हमारा स्पेक का सिग्नल्स है। ओके, हो सकता है ऐसा। जस्ट देखो, ये एक प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन करना होता है, ठीक है, विदाउट क्या बोलते हैं, चेकिंग द मदरबोर्ड। आप थोड़ा सा अगर प्रेडिक्ट कर सकते हो तो ये आपका डायग्नोस्टिंग में हेल्प करता है, और कुछ भी नहीं। इधर पे भी एक फ्लेक्स है, तो फ्लेक्स वगैरह थोड़ा हटा लेते हैं। बैटरी ओपन हो जाता तो अच्छा होता, बैटरी का एक्चुअल स्क्रू वगैरह ना, ये मेरा स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से खुल नहीं रहा था। चलो, बैटरी भी ओपन हो गया। तो क्यों हमारा पावर बटन को SIO नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, SIO क्यों पावर बटन को देख नहीं रहा है, इसे हमें देखना पड़ेगा। ओके, बिकॉज देखो पावर बटन प्रेस हो रहा है बट करंट का कंजम्पशन नहीं है, सो ट्रिगरिंग मिसिंग है इसका। इसका लॉजिक क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप हमें देखना पड़ेगा। मदरबोर्ड को मैंने साइड पे, सॉरी मदरबोर्ड नहीं, केसिंग को मैंने साइड पे रख लिया है। अरे बाप रे, इधर पे तो बहुत डस्ट है। शॉर्टिंग वगैरह की केस हो सकता है, ऐसा नहीं शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, शॉर्टिंग भी हो सकता है मदरबोर्ड में। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, थोड़ा सा पहले डस्ट को हटा लेते हैं। ओके, ये जो स्टिकर्स वगैरह लगा है इसके अंदर भी हम लोग देखेंगे। इधर पे हमारा ना देखो, ये जो स्टिकर है इसके नीचे हमारा जो स्टार्टिंग का क्रिस्टल है, ग्लास टॉप वाला, ठीक है, 32 किलो हर्ट्ज का क्रिस्टल है। और थोड़ा अगर देखोगे ध्यान से तो इधर पे जो हमारा क्रिस्टल है, उधर पे जो कैपेसिटर वगैरह रहता है उसमें थोड़ा सा धूल मिट्टी तो गया है। तो क्रिस्टल बहुत ही एक सेंसिटिव कंपोनेंट है, अगर आपका क्रिस्टल थोड़ा सा भी वाटर डैमेज वगैरह होगा तो आपका बोर्ड में क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगा, इसके रीजन से भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा क्लीन वगैरह कर लेंगे नॉर्मली, ठीक है। आप लोग को थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं काम करने में मेरा दिक्कत होगा। हाँ भाई, इसमें डैमेज तो है, ठीक है, मुझे तो लगता है ये क्रिस्टल का प्रॉब्लम हो सकता है, मॉइस्चर क्रिस्टल में आया है। अगर देख सकते हो, ठीक है, मैं इस साइड से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर देख सकते हो, देखो क्लीनिंग के बाद भी इधर पे थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह लग रहा है ना, वो जो है ना वो हो सकता है हमारा क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी बनने में डिस्टर्ब कर रहा है। और ये भी हो सकता है जो आपका क्रिस्टल मोस्ट प्रोबेबली रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं फिर से आप लोग को ऊपर ले लेता हूँ, उस वो पॉइंट पे हम लोग जाएंगे, वो तो बहुत ही वाइटल पॉइंट है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। 3-5 बन रहा है, अगर क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा तो भी आपका प्रॉब्लम आएगा। ये हमारा आयो है, ठीक है, माइक्रोचिप का आयो है, इधर पे भी डस्ट है बट उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम हो। और इस साइड इधर पे क्या है, ये जो स्टिकर्स वगैरह है इसे हमें फिर से लगा देना होगा,
ठीक है, कंपनी लगाता है इसलिए बिकॉज इधर पे धूल मिट्टी ज़्यादा आता है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए लगाता है, बट समटाइम वो प्रोटेक्शन बैकफायर करता है, ठीक है। मुझे तो ये प्रॉब्लम रखना है, हम लोग देखेंगे, ठीक है, बोर्ड में डस्ट है तो थोड़ा सा डस्ट क्लीन कर लेते हैं, ओके, एक बार। ठीक है, रैम वगैरह ओके है, चलो हम लोग क्लीन कर चुके हैं इनफ, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पोर्ट का क्या स्टेटस है। और अच्छा, एक और चीज़ वो है हमारा स्टार्टिंग का जो स्विच है वो तो हमारा इस बोर्ड में है, मैं वो इस बोर्ड में, ओके, इसे मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, उसे स्टार्टिंग जो है उसे करना इजी होगा, ओके, और इधर से भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं देखना चाहता हूँ हमारा लीड स्विच किधर पे है, बिकॉज लीड स्विच का डेटा भी बहुत इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो तो जाएगा आफ्टर लैपटॉप का सीक्वेंस, तो आप जो मैं बता रहा हूँ अगर वो वीडियो आपने देख लिया है तो आप ज़रूर ये जो मैं बोल रहा हूँ इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा वो बोर्ड है, ये हमारा आरटीसी सेल लगा है, और इधर पे हमारा U2 जो है वो हमारा लीड स्विच है, तो ठीक है, लीड स्विच से भी ऐसा प्रॉब्लम जेनरेट होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डस्ट है बहुत सारा मदरबोर्ड में, तो हम लोग पहले डस्ट को हटा लेंगे, सेल को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, आरटीसी सेल का क्या हालत है, बिकॉज लैपटॉप के मदरबोर्ड में आरटीसी सेल लगाना ज़रूरी होता है सम केसेस में, ओके, हमने देखा है आरटीसी सेल नहीं लगाओगे तो मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा, बिकॉज आरटीसी का सेक्शन एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है, डिज़ाइन थोड़ा अलग होता है इसका, तो ऐसा केस भी हो सकता है। तो ठीक है, ये हमारा मल्टीमीटर, ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा है, तो बैटरी का क्या वोल्टेज है चलो देख लेते हैं, बैटरी 3.3 वोल्ट प्रॉपर है, 3.10 इनफ वोल्टेज है, ठीक है। और हमारा पावर बटन, भाई पावर बटन किधर है भाई इसका, वन सेकेंड, ये साइड पे तो पावर बटन नहीं है भाई, मैंने तो ये देखा ही नहीं, इसके नीचे में कुछ है क्या, हाँ 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 इसके नीचे में है, ठीक है, ये SMD वाला पावर बटन है, ये भी प्रॉब्लम कर सकता है, बट थोड़ा सा करंट के जो हमारा चेंजेस है उससे हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली हमारा पावर बटन वर्क कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा करंट का अप डाउन हो रहा था मैंने दिखाया, ठीक है। तो मैं जो चेक करना चाहता हूँ वो है हमारा फ्रिक्वेंसी बन रहा है कि नहीं बोर्ड में, ठीक है, आरटीसी सेल अगर लगाओगे तो बोर्ड में आपका जो आरटीसी सेक्शन है जो क्रिस्टल है वो तो एक्टिवेट होना ही चाहिए। देखो पहला तो बात ये, जो ये सॉकेट थोड़ा सा खराब हो गया है, ठीक है, सॉकेट आपका टूट गया है, एस सॉकेट में इस साइड लॉकिंग मेकानिज्म जो था वो टूट गया है, इसके लिए ये पूरा बाउंसिंग कर रहा है, अगर आप चेक करोगे इसका वोल्टेज वगैरह तो आपको अच्छे से नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा पहले सिक्योर कर लेते हैं इसका प्रॉब्लम, तो एक टेप से आप इसे थोड़ा बैठा दो, ओके, ठीक है। अभी अगर चेक करोगे ग्राउंड के साथ VCC, देखो VCC आ गया हमारा, ठीक है, ये बैटरी का वोल्टेज आ गया, गुड। अभी देखते हैं हमारा क्रिस्टल एक्टिवेट हुआ कि नहीं, ठीक है, जो क्रिस्टल है उधर पे हमें क्या फ्रीक्वेंसी वगैरह मिल रहा है इसे हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हमारा DSO चाहिए, ये DSO मैंने ऑन किया,
क्रिस्टल को मेजरमेंट करना है तो 10x पे प्रॉप को करना होगा। ओके, आप एसी और डीसी कोई भी मोड पे चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, एसी पे ही करना है, डीसी पे भी मिलेगा फ्रिक्वेंसी। चलिए, सिग्नल जो है वो एसी है, ओके, डीसी नहीं है, पर आप चेक ज़रूर कर सकते हो। तो चलो एक बार देखते हैं क्रिस्टल पे एक बार ऑटो दबाते हैं। देखो ये क्या आ रहा है, देखो ठीक है, एक सेकंड इधर पे आप देखो, ठीक है, इसे आप देखो, मैं प्रोबिंग करता हूँ, इसे आप देखो। मैं अच्छे से थोड़ा ग्राउंड ले लेता हूँ, ओके, इस ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ, देखते हैं। ये एक पिन है, हम लोग ऑटो दबाते हैं एक बार, ठीक है, एक सेकंड ऑटो। तो ये कुछ तो आ रहा है 14 किलो के समथिंग, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे, देखो ये क्या बन रहा है भाई, क्या है ये, ठीक है, ये हम लोग नहीं जानते ये क्या बन रहा है, ठीक है। सो अगर मैं मेजर पे दबाऊंगा, पैरामीटर्स पे देखूंगा, तो देखो फ्रीक्वेंसी कैसा हो रहा है, ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। तो इनपुट के साइड भी ऐसा है, ठीक है, मैं इसे फिर से ऑफ कर लेता हूँ, ओके, और इस साइड, ये साइड देखो, अगर मैं ऑटो करता हूँ, एक सेकंड ऑटो, ये साइड भी ऐसा ही कुछ है, मैं इसे थोड़ा सा जूमिंग कर लेता हूँ, देखो, ठीक है, ये क्या बन रहा है, ठीक है। अगर मैं किलोहर्ट्ज़ देखूँ तो पूरा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, तो हमारा क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी बन नहीं रहा है, तो बोर्ड तो नहीं चलेगा भाई इससे, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले देख लेते हैं इधर पे कोई भी आरटीसी का क्या डायोड वगैरह दिख रहा है, वन सेकंड मैं देख लेता हूँ थोड़ा सामने में, हो सकता है, ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा अभी आप स्कोप से ध्यान हटा लो, ठीक है, स्कोप में जब जाएंगे फिर से देखेंगे। मैं देख रहा हूँ कोई भी डायोड है कि नहीं, इधर पे एक D2 है, चलो देख लेते हैं ये D2 क्या है, RTC का वोल्टेज बोर्ड में प्रेजेंट है कि नहीं, ये भी हमें देखना है, ठीक है। सॉकेट तो हमारा टूट गया है, तो ये D2 तो नहीं है भाई, ठीक है, इसमें से तो कोई भी पावर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, 1 वोल्ट, 1x, ठीक है, नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ये भी नहीं है। सो RTC कोई ना कोई तो छोटा डायोड आसपास में होना चाहिए था, ठीक है, विदाउट स्कीमेटिक ही मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है स्कीमेटिक के साथ देखूँगा, ठीक है, तो ठीक है, वो बात की बात है, अभी तो इधर पे हमें मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो चलो स्कीमेटिक थोड़ा देख लेते हैं, ओके, मैं थोड़ा कंप्यूटर ऑन करता हूँ, स्कीमेटिक देखता हूँ। उससे पहले मैं जो ये बात बताना चाहता हूँ, इधर पे जो हमारा दिख रहा है, ठीक है, मॉइस्चर वगैरह, ठीक है, वो आपका क्लीनिंग से भी ओके हो सकता है, ओके, बट इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा हमें मालूम नहीं, ठीक है। तो पहले तो मैंने दिखा दिया क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी हमारा बन नहीं रहा है, अब जस्ट देखूंगा RTC का वोल्टेज हमारा अगर बोर्ड में प्रेजेंट है तो क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी तो बनना चाहिए, ठीक है। सो बोर्ड का पार्ट नंबर क्या है, ये है LA-K034P, देखते हैं हमारे पास कोई स्कीमेटिक अवेलेबल है कि नहीं, ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं, कैमरा पोजीशन थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा हिल गया है, ओके, ओके, देखते हैं LA-K034P, ओके, BDB फाइल अवेलेबल है मेरे पास, PDF भी अवेलेबल होना चाहिए, हाँ PDF भी है, तो चलो दोनों भी ले लेते हैं। तो इसे मैं बाहर पे डेस्कटॉप पे लेना चाहता हूँ,
इसे भी शो फोल्डर, हाँ ये तो दो मिल गया मुझे, ठीक है। रिविजन 1.0, ये भी 0.1.0 है, गुड। चलो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, मैं दिखा देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इधर पे मेरा कंप्यूटर में अगर आप देख सकते हो, ठीक है, कुछ मैं जब दिखाने की बारी आएगा तब तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो इधर पे मेरा ये रहा, ओके, ये मेरा आ गया, और इसे भी एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, पेस्ट ऑल। तो ये हमारा मदरबोर्ड है, ठीक है, मदरबोर्ड ये LA-K034, ठीक है। मैं RTC सर्च कर लेता हूँ, RTC RTC, मैं RTC VCC को पहले ढूंढना चाहता हूँ, RTC की VCC का डायोड, ओके, सभी दिया हुआ है, वोल्टेज सीक्वेंस वगैरह, ठीक है। इधर पे आया भाई, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हाँ तो पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये सब RTC का ही पॉइंट है। एक सेकेंड, इधर पे एक चीज़ दिख, नहीं PCH ऑलवेज नहीं है, ठीक है। ये RTC SRTC इंट्रूडर वगैरह है, इसे भी हमें चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। बट बैटरी किधर है वो हम लोग ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 32 किलोहर्ट्ज़ का फिक्स क्रिस्टल है। इधर पे एक 10 मेगा इसे बोला जाता है, ठीक है। ये हमें चाहिए, ये एक 38 मेगाहर्ट्ज़। ये क्या है, ये क्या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए 30, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। ये हमारा पहला है XC1, ठीक है, वो है XH1, वो बाद में देखेंगे, ठीक है, वो मेन फ्रीक्वेंसी हो सकता है बोर्ड का। अरे भाई मेरा बैटरी किधर है, बैटरी तो नहीं मिलेगा बिकॉज बैटरी और एक मदरबोर्ड में कनेक्टेड है, बट RTC VCC तो मिलना चाहिए ना। ये RTC सेल, हाँ ये RTC सेल का डेटा किधर से आ रहा है मुझे वो दिखा दो, जस्ट डायोड को मुझे चाहिए, कौन सा डायोड से वो कनेक्टेड है। ये हमारा IO पे भी जा रहा है, जाएगा ही, ओके। ये है क्या VCC आउटपुट, नहीं भाई ये तो नहीं है, ये तो हमारा ऑसिलेटर ही है ना, हाँ ये ऑसिलेटर है, ये नहीं है, यस ये हमारा आ गया, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा RTC का डायोड है, ठीक है। ये VLP आ रहा है, VLP मतलब हमारा VRH का सिग्नल LDU, ये VCC RTC VCC, ठीक है। ये सेल से इधर से आएगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबली, ये दिखने में थोड़ा डिफरेंस है बट ऐसा नहीं हो सकता है, मोस्ट प्रोबली इधर से आएगा और इधर से निकलेगा, ठीक है। ये D1 है, हमें D1 को थोड़ा सा सर्च करना है, उसके बाद हम लोग चेकिंग कर लेंगे D1 कैसे काम करेगा, ठीक है। तो मैं इधर पे आप लोगों को थोड़ा सा फिक्स कर लेता हूँ, और ऊपर में ठीक है आप लोग देख सकते हैं ना, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, हाँ ठीक है। तो चलो देखते हैं मदरबोर्ड में D1 किधर पे है। तो मैंने जो चेक किया वो D9 है, D4 है, D2 इधर पे है, D1 तो करीबी होना चाहिए पर D1 दिख नहीं रहा है। U1 DV15 DV D1 ये रहा D1, ओके। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर नहीं डबल डायोड है, ये हमारा D1 है। चलो चेक कर लेते हैं D1 कैसा है। तो एक पिन में अभी हमारा वोल्टेज मिलेगा बिकॉज सिर्फ बैटरी कनेक्टेड है, इधर पे नहीं है, इधर पे भी नहीं है, इधर पे भी नहीं है, ऐसे कैसे भाई, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। चलो थोड़ा सा देखते हैं स्कीमेटिक इसका, D1 उसके पहले Q1 से कनेक्टेड है, अच्छा ओके,
Q1 का देखते हैं एक सेकेंड। ये Q1 का कोई वोल्टेज वगैरह है क्या Q1 में? भाई Q1 में भी कुछ भी नहीं है। आरटीसी वीसीसी अगर नहीं बन रहा है तो भी तो नहीं चलेगा ना। तो आरटीसी तो वीसीसी बनना चाहिए, बट इधर पे तो हम लोग कैपेसिटर जो इधर पे है, कैपेसिटर पे मैंने देख रहा हूँ, इधर पे एक छोटा कैपेसिटर है उसमें तो वोल्टेज है हमारा, ठीक है। तो पावर कनेक्टर से चलो देखते हैं इधर पे वायर के थ्रू, इधर पे हमें 3.3 पे पहले तो प्रेजेंट होना चाहिए। ये पिन पे नहीं है, ये पिन पे नहीं है, ये पिन पे भी नहीं है। अरे भाई ये तो गजब का प्रॉब्लम हो गया। और कोई अच्छा इधर पे तो और एक पिन है, वो देखते हैं किधर पे कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने तो सोचा, देखो भाई मैंने सोचा ये हार्ड डिस्क वगैरह का है, बट ऐसा नहीं है, इस ये घूम के इधर पे आ रहा है। तो आरटीसी बनेगा कैसे? आरटीसी तो प्रेजेंट ही नहीं है अभी, ठीक है, बोर्ड में, बिकॉज आपका ये बैटरी नहीं कनेक्टेड है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, ये सब छोड़ो, बैटरी को छोड़ो, ठीक है। पावर बटन तो इससे चालू हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा पावर स्विच का है। तो ये जस्ट पावर का डेटा इधर पे आएगा और इधर पे आएगा हमारा किसका डेटा, हमारा लीड स्विच का। बट पावर अगर मैं डीसी से इंजेक्ट करूँगा तो 3.3 बन के तो वो डायोड पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने प्लग इन किया, आया 20 mA, ठीक है। तो अभी अगर मैं देखूँ, ठीक है, 3.5 का सेक्शन किधर पे लग रहा है, ये हो सकता है, नहीं भाई ये नहीं है, ये भी नहीं है। 3.5 किधर है भाई इसका, ये सब तो नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। तो कॉइल का वोल्टेज नहीं बन रहा होगा, ऐसा भी है। चलो देख लेते हैं डायोड में डायरेक्टली एलडीओ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो डायोड का देखो, पिन नंबर एक पे हमें 3.4 वोल्ट मिल रहा है, तो पिन नंबर आउटपुट में हमारा 3.2 वोल्ट मिल रहा है डायोड ड्रॉप के बाद, और ये जीरो है, इधर से आएगा। तो अभी देखते हैं आरटीसी, बिकॉज पहले तो बैटरी नहीं प्रेजेंट था और पावर सोर्स भी नहीं प्रेजेंट था, तो आरटीसी तो नहीं बनेगा, बट अभी हमारा बन गया है, ठीक है। अभी हमारा आरटीसी वीसीसी तो बन गया है, तो चलो एक बार देख लेते हैं हमारा क्रिस्टल क्या फ्रीक्वेंसी इधर पे हमें दिखा रहा है। इधर पे मैंने दिया, एक बार ऑटो करके देखते हैं, आ तो कुछ रहा है बट फिर भी वो भी प्रॉपर नहीं है भाई, ठीक है, एक सेकेंड। बन नहीं रहा है, ठीक है, 4 MHz की करीब दिखा रहा है। फिर से इधर पे भी चेक कर लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ इधर पे भी, देखो अगर मैं दिखाऊँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले आपको दिखा देता हूँ। सो अगर आप देखोगे मेरा स्कोप पे, ठीक है, पहले तो मैं दिखा देता हूँ, ये है हमारा आरटीसी वीसीसी, ठीक है, डायोड में ये मिली वोल्ट के रेंज पे है। थोड़ा सा मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है, ये 2 वोल्ट 10 वोल्ट के रेंज पे, 1 वोल्ट के रेंज पे डाल देता हूँ। ये हमारा 3.3 वोल्ट आ रहा है, आप इधर पे देख सकते हो 3.3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं चेक करना चाहता हूँ क्या हमारा जो आरटीसी है, ठीक है, क्रिस्टल है, उसे हम लोग चेक करना चाहते हैं। तो इधर पे थोड़ा सा वोल्टेज को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, 20 mV इनाफ है, 10x के प्रोप में सेटिंग करके रखा है, ओके। अभी अगर मैं चेक करूँगा ये पॉइंट पे, देखो कोई भी फ्रीक्वेंसी तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है, और अगर मैं ऑटो दबाता हूँ तो भी मेजर ऑल पैरामीटर्स, फ्रीक्वेंसी तो इधर पे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिखा ही नहीं रहा है, 30 कैसा सब हर्ट्ज वगैरह आ रहा है, ठीक है, मेगा हर्ट्ज तो अब छोड़ ही दो। और इधर पे हमारा आरटीसी का और एक पॉइंट है क्रिस्टल का, इधर पे भी दबाया तो देखो ग्लिच के जैसा लग रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, हमें देखो ये इसका सिग्नल है, ठीक है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इससे बोर्ड तो चलने वाला नहीं है आपका, ठीक है।
तो अगर बोर्ड में 3.3 प्रेजेंट होगा आरटीसी का बट आपका क्रिस्टल ओके नहीं होगा, फिर भी आपका बोर्ड नहीं चलेगा। तो अगर मैं इधर से पावर बटन प्रेस करूँगा, वन सेकेंड, हाथ में भी आना चाहिए पावर बटन, ये तो बहुत ही छोटा है, तो वो सेम करंट 0.1 आ रहा है उसके बाद गायब। तो चलो हम लोग अभी इसका एक्जैक्टली देख लेते हैं, इसका कैसे हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी को रिटर्न ले आएंगे। ठीक है, वन सेकेंड, ये कैमरा क्या हो गया। ओके, ये ढीला हो चुका है, वन सेकेंड। ओके गुड, आप लोग देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ओके तो मैं पहले इधर पे क्लीनिंग करूँगा। ठीक है, मैं बैटरी ओपन ही कर लेता हूँ, बिकॉज बैटरी तो नहीं है, पावर देकर ये सब काम कभी भी मैं नहीं करना। ठीक है चलो, तो मैं थोड़ा थीनर से पहले इसे क्लीन करूँगा। ठीक है, मैं जस्ट क्रिस्टल का एरिया का क्लीन कर रहा हूँ। ओके, रस्टिंग तो आया है भाई। ठीक है, मैं देख सकता हूँ एक रजिस्टर का एक एंड में काला हो पड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा स्क्रैचिंग करके इसका रेजिस्टेंस का जो ट्रैक है उसे थोड़ा सा ठीक करने के। ओके, ये कैपेसिटर तो टूट ही गया भाई इधर से। ओके, एक छोटा कैपेसिटर है, इसका पैड में इतना रस्ट आया ये छोड़ दिया ट्रैक। ओके, ये एक छोटा कैपेसिटर है, मैं साइड में रखूँगा ये सब, बिकॉज अगर ये गुम हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है चलो, अभी देखते हैं इधर पे तीन रजिस्टर वगैरह है। ओके, बहुत ही थीन एरिया है, एरिया एकदम ही बेकार कंडीशन पे है, रस्टिंग से भरा पड़ा है। आपको ज़्यादा तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ उसके बाद मैं काम चालू करूँगा। इधर पे एक कैपेसिटर था वो टूट गया। ठीक है, सो चलो अभी काम चालू करते हैं इधर पे, और आप लोग देखो मैं कैसे इसे ट्रीट करूँगा। ओके, तो पहले कैपेसिटर जो है वो गुम नहीं होना चाहिए, तो ऐसा एक टेप लेके उसके पीछे चिपका लूँगा, ये कैपेसिटर है, और टेप को इधर पे चिपका देता हूँ, इससे आपका कैपेसिटर नहीं घूमेगा। ओके चलो, ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा हॉट एयर का यूज करेंगे ऑफ कोर्स। ट्राई करते हैं एक बार रीफ्लो करने का। ओके, इधर पे एक रजिस्टर भी है, 10 मेगा का जो रजिस्टर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है आरटीसी के लिए। ठीक है, पहले इस एरिया को हमें ठीक करना होगा, जो भी हमें इधर पे प्रॉब्लम दिख रहा है। तो मैं पहले क्रिस्टल को हटा लेता हूँ। ओके, ये क्रिस्टल मेरा हट गया। छोटा एक रजिस्टर है, थोड़ा सा टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूं।
चलो ये हट गया, इसका इतना रस्ट है ना, ये छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, ये पूरा निकल ही गया ट्रैक से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उस वाली वही हमारा 10 मेगा है। तो देखेंगे हमारे पास कोई VDB फाइल जिसके हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं। बोर्ड व्यूअर, चलो बोर्ड व्यूअर पे देख लेते हैं बोर्ड व्यूअर फाइल है कि नहीं। चलो बोर्ड व्यू मिल गया मुझे, अभी इस लाइन जगह पे फोकस करते हैं, बैक ऑफ द CPU। ठीक है, तो किधर है मेरा क्रिस्टल, ये सब तो नहीं है। अरे किधर गया मेरा क्रिस्टल भाई, ऐसा इधर पे ये मिल गया। तो आप देख सकते हो, 1 सेकेंड मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास बोर्ड व्यू अवेलेबल है। तो ये मेरा बोर्ड व्यू है, तो ये आप बोर्ड को लेआउट देख लो कैसा है, ये मेरा बोर्ड का लेआउट देख लो कैसा है। तो ये सॉक जो होल है उसके पास में हमारा काम होना चाहिए। तो ये होल का सामने ये पॉइंट पे हमें जूम इन करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट पे अगर जूम इन करोगे आप तो ये आपका पूरा डेटा आ गया। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी देख सकते हो। ठीक है, तो जो कैपेसिटर टूटा है वो ये है। ठीक है, ये RTC का कैपेसिटर है, 1 सेकेंड ये वाला। ठीक है, ये RTC का है और ये मोस्ट प्रॉबली हमारा 10 मेगा का रजिस्टर हो सकता है। ठीक है, RC 1 सेकेंड मैं देख लेता हूँ, ये इसका वैल्यू नहीं दिखा रहा है भाई। ठीक है, RC 10175 है और ये CC है, इसका मतलब ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये इसका डेटा वगैरह हम लोग किधर से हमारा क्या बोलते हैं बताओ भाई, हम लोग हमारा स्कीमेटिक से निकाल लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, पॉइंट में दिखा रहा है क्या? हाँ, ये देखो 15 पिको फैराड है। ठीक है, ये पॉइंट में दिखा रहा है और ये आपका एक रजिस्टर है। ठीक है, RC जो है, बट इसका वैल्यू वगैरह क्या है हमें मालूम नहीं। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो चलो इसके हेल्प से हम लोग इसका सर्किट को फिर से बिल्डअप करते हैं। इधर पे रस्टिंग के वजह से इधर पे थोड़ा सा ट्रैक का जो क्या बोलते हैं बताओ, ट्रैक जो है वो थोड़ा ख़राब हुआ है। ठीक है, तो इसे हमें पहले ठीक करना होगा। रस्टिंग के वजह से ही ये फ्रीक्वेंसी हमारा बन नहीं रहा है। ठीक है, और कुछ भी नहीं, वो तो क्लियर है, ये पोजीशन को देख के ही मालूम पड़ रहा है। ठीक है, तो जो ट्रैक था इधर पे उसे मैं थोड़ा सा स्क्रैचिंग करके, देखो इसका पैड मैंने निकाल लिया है। ठीक है, अभी इधर पे सोल्डरिंग आयरन वगैरह चिपका लगाना एकदम भी सही नहीं है। ठीक है, मैंने एवरी टाइम बोला है, ये PCI के साथ कनेक्टेड होता है। ये मेरा रजिस्टर निकल गया भाई, इसे भी चेक करना है इसका वैल्यू वगैरह। ठीक है, इसे भी चिपका लेते हैं टेप के पीछे। ठीक है, जिससे ये भी भागे ना। तो मैं एवरी टाइम बहुत बताया हूँ, इधर पे कभी भी आप सोल्डरिंग आयरन मत लगाया करो। ठीक है, बिकॉज सोल्डरिंग आयरन कभी भी उधर पे पॉइंट पे आपका क्या बोलते हैं, मैंने देखा है। ठीक है, वो आ जाता है जो ESD का करंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उससे ना आपका बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है PCH में। तो मैं एवरी टाइम अवॉइड करता हूँ इधर पे RTC के लाइन पे कोई भी छेड़खानी करना आराम से। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर पे लो मेल्ट हमारा जो पेस्ट है उसे यूज़ कर रहा हूँ इधर पे सोल्डर को लगाने के लिए। ठीक है, बिकॉज इधर पे तो सोल्डर चाहिए, ट्रैक तो पूरा गया हमारा। ये देखो बिंदास इधर पे आ गया हमारा ट्रैक। ओके, गुड, वेरी गुड, क्या बिंदास काम होता है, ये मेरा फेवरेट चीज़ है, मैं डेली बेसिस पे इसे यूज़ करता हूँ। ठीक है,
जो पीपीडी है, ठीक है, देखो कितना सुंदर से पूरा ट्रैक हमारा आ गया, ठीक है। ये आप सोल्डरिंग आयरन से करने जाओगे ना, ये पूरा क्या बोलूँ मैं, इसका हालत टाइट हो जाएगा इस पैड का। ऐसा होता है मेरे से तो बहुत ही होता है, आप अगर आपके साथ नहीं होता है तो आप बहुत एक्सपर्ट है इस चीज़ में, बट मेरे से बहुत होता है, ठीक है। तो मैं आर्टिस्ट के लाइन पे कभी भी ये सब नहीं टच करता हूँ, ठीक है। मुझे तो लगता है हमारा क्रिस्टल ओके है, जस्ट ये रस्टिंग वगैरह की वजह से हमारा क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो गया। तो ये मैं अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो एकदम ट्रैक ओके है। तो जो रस्ट आया था, ये पहला वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट इधर पे हमारा कैपेसिटर है, उसके बाद रजिस्टर, कैपेसिटर का पॉइंट में पूरा ख़राब हो गया था कैपेसिटर का पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे स्कीमेटिक से। इधर पे सीसी मैं आपको इधर से फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे जाएगा तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। इसे हटा दो, दिख रहा है भाई, मुझे तो नहीं लगता आपको दिख रहा है, अभी अभी दिख रहा है, हाँ 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 अभी आ रहा है। तो ये जो मैं देख सकता हूँ, ठीक है, मैं बिग बिग करके दिखाता हूँ, ठीक है, कितना बिग होगा, इससे ज़्यादा बिग नहीं होगा। तो ये जो है, ये है CC176 और ये हमारा कैपेसिटर है, उसके ऊपर है 175, ये एक रजिस्टर है। चलो सारे हमारा स्कीमेटिक में आ जाते हैं। CC176 यही था ना, ये देखो आ गया है हमारा 32 के करीब, और CC176 कौन सा, ये वाला, ठीक है, 15 पिकोफेराड, ये वाला, ये ग्राउंड के साथ करने बहुत इंपॉर्टेंट कैपेसिटर है, ये नहीं लगाएंगे तो आपका बोर्ड कभी भी नहीं चलेगा। और उसके साथ हमारा RC ये था रजिस्टर, ओके, RC173। तो ये जो वैल्यू है देखो 00201, तो ये जीरो ही है, इधर पे भी दो है, इस लाइन पे भी दो है। तो हम लोग थोड़ा बीपिंग ले लेंगे, ठीक है, बीपिंग के थोड़ा कंफर्म कर लेंगे इधर पे क्या है हमारा, ठीक है। तो ठीक है, मल्टीमीटर आपका दिखना है चाहिए, तो ये आपका मल्टीमीटर प्लस एवरीथिंग दिख रहा है, ठीक है। चलो तो ये मैं पावर ऑन कर लेता हूँ, बीपिंग में है। तो ये एक रजिस्टर है एकदम शॉर्ट, और ये एक रजिस्टर है एकदम शॉर्ट, तो पॉइंट वैल्यू का रजिस्टर है सभी। तो हम लोग, हमारे पास जो रजिस्टर खराब मिला है, खराब नहीं है वो, जस्ट उखड़ गया है, कैपेसिटर हमारा खराब है, ठीक है, उसे हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। इधर पे लगा है, ठीक है, मैं इधर से चेक कर लूँगा, ये देखो प्रॉपर बीप आ रहा है। सो ये हमारा रजिस्टर ओके है, दिखने में थोड़ा अगली है, ठीक है, बट ये काम कर जाएगा। तो RTC का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग छेड़खानी RTC में नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, रजिस्टर लगा लेंगे पहले ही, ठीक है। चलो रजिस्टर को ये ट्वीज़र से मैं नहीं लगाऊंगा, इसके मत्थे में पूरा लगा है PPD, ठीक है। ये हमारा देखो रजिस्टर, ठीक है, दिखने में बुरा है बट काम बहुत अच्छा करेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा आपका काम में। ऊपर वाला RC है 75, ठीक है, ठीक है, चलो लगा देते हैं। हॉट एयर का हेल्प लेंगे, 330 डिग्री, एकदम एयर ज़ीरो, ओके, एयर कुछ भी नहीं रखना है, नहीं तो ये छोटा कंपोनेंट अभी गायब हो जाएगा इधर से। चलो लग तो गया है, हम लोग थोड़ा फ्लक्स देके इसको प्रिपेयर कर लेंगे। परफेक्ट, एकदम परफेक्टली लग गया है। अभी हमें कैपेसिटर को देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ये कैपेसिटर नहीं लगेगा, ठीक है, इसका पैड गया, वो रस्टिंग से पूरा चला गया, तो एक स्क्रैप मदरबोर्ड ले लेंगे, ओके।
मेरे पास इधर पे, चलो ये ले लो, का स्क्रैप मदरबोर्ड ले लेते हैं। मैं 10 स्क्रैप ऑर्डर दिया हूँ, आ रहा है, ठीक है, स्क्रैप का बहुत ज़रूरत है। तो ये हमारा ग्लास टॉप वाला आईसी, इधर पे हमारा बड़ा बड़ा दो कैपेसिटर है, बट ये तो साइज़ बहुत बिग है। ये 15 पिको ही मोस्ट प्रॉब्ली होगा, बट ये कैपेसिटर का साइज़ बिग है, तो थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं। हाँ, वैसा साइज़ वाला कैपेसिटर। तो मैंने एक इधर पे मेरे पास एक लेनोवो का स्क्रैप मदरबोर्ड है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, इधर पे जो हमारा क्रिस्टल है, देख सकते हो, ये हमारा 24 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है, बट इधर पे जो हमारा कैपेसिटर लगा है, वो कैपेसिटर को हम यूज़ करेंगे। देखो ये जो टाइनी, देख सकते हो कि नहीं, एक दिखाता हूँ, ये देखो, ये एकदम टाइनी वाइट कैपेसिटर दो दो एंड पे है, ये कैपेसिटर हम लोग लगाएंगे हमारा इस मदरबोर्ड को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा, मैं आपको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे मैं थोड़ा सा सावधानी से काम कर सकता हूँ। तो बिकॉज आप जानते हैं ये बहुत ही एक वाइटल लाइन है, तो इधर पे अगर कुछ मिसटेप हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा मैं मेरा हॉट एयर को 300, एयर को ज़ीरो पे रख के 330 रखते हैं और इसे उठा लेते हैं। ओके, मेरा ट्वीज़र, चलो कैपेसिटर तो लग गया, क्रिस्टल को थोड़ा सा बैठा लेते हैं अच्छे से। चलो बैठ गया, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, हीट अप है बहुत ही, तो तब तक मैं ये जो मेरा ऑसिलोस्कोप है इसे भी ऑन कर लेता हूँ, देखते हैं फ्रीक्वेंसी बनते है। ओके, मेरा हॉट एयर पहले ठंडा होने देते, तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी हमारा बन रहा है कि नहीं, ठीक है। बिकॉज हमें इधर पे 30 कितना 32 का फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। सो इधर थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेता हूँ, बहुत अच्छा। ओके, चलो आप लोग आगे आ जाओ, देख लो मैंने क्या किया इधर का। ओके, आपको पहले कंडीशन दिखाया था, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, ये देखो, ठीक है, ये मैंने, देखो मैंने जस्ट क्या किया, ये कैपेसिटर एक्चुअली हमारा ख़राब था, तो ये दो कैपेसिटर को हमने रिप्लेस किया इस मदरबोर्ड से, ठीक है, ये मदरबोर्ड से मैंने रिप्लेस किया लेनोवो का, ठीक है। ये सब स्क्रैप मदरबोर्ड है, देखो ये सब ऐसा आता है, ठीक है, तो ये स्क्रैप मदरबोर्ड है। ओके, ये सब सर्विस सेंटर रिटर्न है, देखो सीपीयू उठा के एक होल कर दिया गया है, पीसीएच उठा लिया है, और इधर पे ग्राफिक्स भी हो सकता थे। देखो इधर पे एरो एरो जो लग रहा है ना, ये देखो इधर पे रस्टिंग था इसलिए एरो दिया है, इसका मतलब क्या है मालूम है, ये सब वारंटी का चीज़ है। ओके, ये थिंक पैड का है, हमने इससे ही कैपेसिटर लिया, तो
ये सब सर्विस सेंटर रिटर्न, जो सर्विस सेंटर में जो रिटर्न आता है उस उधर से ही मिल जाता है मुझे, ठीक है, मेरा थोड़ा जान पहचान है। ओके, तो चलो अभी देखते हैं हमारा फ्रीक्वेंसी बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाता हूँ। ओके, मैंने ये हीट सिंक ओपन किया था, ठीक है, मैंने ये हीट सिंक ओपन किया था बिकॉज़ ये एरिया पे जब हीट होगा, समझो मैं जो काम कर रहा हूँ सीपीयू इस ये स्टार्ट से भी अंदर है, ठीक है, तो सीपीयू आप पकड़ लो इधर पे है, जो खाली एरिया दिख रहा है उधर पे, तो बट आप जब हीट दोगे तो ये मेटल हीटअप होगा, उसके वजह से आपका सीपीयू हीटअप होता रहेगा। ठीक है, तो मैंने ये सीपीयू हीट सिंक को जब मैंने रिप्लेस किया, जब मैंने वीडियो पॉज किया था, ठीक है, ये ढूंढने के लिए कैपेसिटर, बिकॉज कैपेसिटर को जो साइज़ है एसएमडी कंपोनेंट जो भी हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली उसका साइज़ होता है 0402, ये एसएमडी का साइज़ होता है। ठीक है, एसएमडी जो कंपोनेंट है उसका भी साइज़ होता है, बट इधर पे जो लगा था वो था 0201, तो 0201 ना हमें कभी भी नहीं मिलेगा, बहुत रेयरली मिलता है, इसलिए थोड़ा सा ढूंढना पड़ा। देखो कितना सारा मैंने इधर पे मदरबोर्ड, कितना सारा मदरबोर्ड कि मैंने ढूंढा लेटेस्ट जनरेशन का सभी, उसके बाद ये मिला। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, जस्ट आरटीसी लगा लेते हैं। ठीक है, तो पावर देने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आरटीसी जो हमारा ये सेल है उसे लगा लेते हैं, ये कनेक्टर से वो पावर आएगा। ठीक है, और ये पावर बटन है, तो देखो आरटीसी रीसेट हुआ है, तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बन गया तो आपका बोर्ड ऑन होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड में तो फ्रीक्वेंसी नहीं था, स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखते हैं क्या अभी है, ठीक है, कंडीशन। तो ये देखो मेरा रेडी है सेटअप, अगर मैं आपको चेक कराऊं इस टाइम पे वो डायोड पे जिधर पे हमें 3.3 मिल रहा था पहले भी बैटरी से और डीसी से, कोई बात नहीं, ये पॉइंट पे देखो बैटरी से आ रहा है 3.3 वोल्ट। ठीक है, ये बैटरी से आ रहा है 3.3 वोल्ट और इधर से आउट हो रहा है, ठीक है, 2.9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे हमारा बोर्ड में फ्रीक्वेंसी तो बनना ही चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं फ्रीक्वेंसी बन रहा है कि नहीं। ओके, मेरा मैं थोड़ा ऑसिलोस्कोप कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये स्कोप, तो स्कोप दिखाई दे और काम भी दिखाई दे ऐसा तो नहीं होगा भाई। ठीक है, ओके, थोड़ा दूर से ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, अगर बनेगा, मुझे तो लगता है बनना चाहिए बिकॉज यही प्रॉब्लम था। ओके, दिख रहा है राइट, तो चलो एकदम ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, कैसे मैं दिखाऊं भाई। ठीक है, आप इधर पे मेरा क्रिस्टल है, इधर पे आपका स्कोप है, तो चलो ट्राई करते हैं एक बार, दूर दूर से मेजरमेंट अगर आ जाएगा तो आपको लिए एक अच्छा व्यू आ जाएगा। तो मेरा प्रोप को मैं 10x पे स्विच करूँगा, ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। और अभी इसे ग्राउंड कर देते हैं और देखते हैं इधर पे एक 10 मेगा का, ऑलवेज याद रखना है कैप, जो हमारा क्रिस्टल है वो आप उसके पैड में भी चेक कर सकते हो, और एक 10 मेगा का आपका रजिस्टर लगा होता है। ठीक है, उसे 10 मेगा बोला जाता है बिकॉज वो 10 मेगा ओम उसका वैल्यू है, तो आप उस पर भी चेक कर सकते हो। तो आपके हेल्प के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इधर पे ही चेक कर रहा हूँ। ये देखो भाई हमारा फ्रीक्वेंसी बन गया, देख सकते हो ये इनपुट है, देखो 32 पॉइंट इधर पे दिखा रहा है 32.8। ओके, थोड़ा सा मैं मेजरमेंट को सही कर लेता हूँ। ठीक है, इधर पे नहीं, स्केल को थोड़ा डाउन कर लेते हैं, देखो 32.6। अभी मेजर ऑल पैरामीटर इधर पे देखो 32.6। ठीक है, तो प्रॉपर हमारा फ्रीक्वेंसी बन चुका है। ओके, मैं आपके लिए एक काम भी करता हूँ, चलो एक मज़ेदार काम करते हैं। हाँ, देखो ये हमारा DSO का एक बेस्ट फीचर है, मैं एक पेन ड्राइव लगा रहा हूँ जो मेरा डिस्प्ले चेकिंग पेन ड्राइव है, ये मैंने इंसर्ट कर दिया। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, इधर पे रखता हूँ। ओके, ऑल पैरामीटर्स को ऑफ कर ले, और ओके एक बार ऐसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये स्क्रीनशॉट हो रहा है तो ये सेव हो गया। ठीक है, देखते हैं ऑल पैरामीटर्स का वैल्यू शो करता है, ये आपके लिए मैं वीडियो के जिधर पे आपको वीडियो दिखाएंगे उधर पे दे देंगे। तो ये इनपुट हो गया, ठीक है, 32 का,
और ये आपका आउटपुट हो गया। देखो एकदम प्रॉपर साइन वेव बन रहा है 32.7 का, ठीक है 100% ओके है। तो आपका फ्रीक्वेंसी बन गया है बोर्ड में। तो बोर्ड का जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी मिसिंग था 32 किलोहर्ट्ज़ का, वो फ्रीक्वेंसी अभी हमारा बन चुका है, ठीक है। वो रस्टेड कैपेसिटर के लिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ और कुछ भी नहीं। तो अभी देखते हैं, चलो DSO का तो कम ख़त्म, ठीक है DSO बंद कर देते हैं। इधर पे मेरा पेन ड्राइव पे सेव हो चुका है, ठीक है आपके लिए वीडियो में डाल देंगे ज़रूर। तो आपको थोड़ा सा मैं इधर पे सेट कर लेता हूँ, ओके, जिसके हेल्प से आपको मैं डिस्प्ले दिखा सकता हूँ, ठीक है अगर डिस्प्ले आता है तो ऑफ कोर्स। तो पेन ड्राइव पे ही डिस्प्ले देख लेंगे। ये हमारा मैं कनेक्ट कर लेता हूँ मेरा DC, ओके। तो ये DC मैंने ऑन कर लिया, PSID वाला कनेक्टर से ही ऑन करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं DC का करंट कंजम्पशन। और देखो ये RTC नहीं लगा हुआ था, तो इसका मतलब RTC रिसेट है, मोस्ट प्रॉब्ली ये ऑटो ऑन भी होना चाहिए, ठीक है हो सकता है ऑटो ऑन। चलो ये प्लग इन किया 0.1, ये सबका बोर्ड ऑन हो गया मैं हमारा बोर्ड, ओके। देखो बोर्ड में 900, ठीक है देख सकते हो 800-900 के कंज्यूम है, ठीक है ये रिसेट किए, 3-10 डिस्प्ले आएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है अब इधर पे देखते रहो, ठीक है फिर से ऐसा हुआ 500 चलो देखते हैं डिस्प्ले आते हैं कि नहीं, आना तो चाहिए, आ गया क्या इसमें आया नहीं, ऐसा क्यों 580 पर वो रुक रहा है, ठीक है बोर्ड हमारा ऑन है तो डिस्प्ले आया कि नहीं ये हमारा कंसर्न है, एक सेकेंड लाइट एक बार ब्लिंक करके छोड़ दिया रैम तो लगा है भाई, एक बार बंद करके एक बार देखते हैं, ठीक है चलो अभी करंट तो आपको दिखा दिया, बोर्ड ऑन हो गया हमारा, ठीक है। तो आपको इधर पे फिक्स कर लेता हूँ, मेरा थोड़ा काम करने के लिए इजी होता है चलो एक बार रैम को स्लॉट वगैरह चेंज कर देते हैं रैम का, ओके रैम का भी कोई दिक्कत हो सकता है डिस्प्ले तो बनना चाहिए भाई ये तो ज़रूर, ठीक है थोड़ा वेट करते हैं, बोर्ड फिर से ऑटो ऑन होगा, नहीं हो रहा है तो RTC लगा है इसलिए ऑटो ऑन नहीं हो रहा है, ये ट्रिगरिंग है, ट्रिगरिंग लग गया तो 900 मिली एम्पियर कंजम्पशन है, चलो देखते हैं अभी थोड़ा वेट करते हैं, ओके डिस्प्ले तो बनना चाहिए बॉस 600-700 ये देखो डिस्प्ले बन गया, ठीक है तो क्या हुआ भाई ये ओके वो थोड़ा सा आगे गया, ठीक है और कुछ और कोई फंक्शन ये कर रहा है, चलो एक बार डिस्प्ले लगा के देख ले क्या ये आ गया, ठीक है एक बार डिस्प्ले लगा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है बोर्ड में डिस्प्ले तो बन गया हमारा, ठीक है तो पावर बटन प्रेस पावर ऑफ, चलो ये हटा देते हैं, चलो डिस्प्ले में दिखा देते हैं, तो ये मैंने लेके आ गया, ठीक है चलो थोड़ा सा देख लेते कैसे हम लोग इसका डिस्प्ले लेके आएंगे, ठीक है मैं तो पूरा सेटअप में लगाना नहीं चाहता हूँ, जस्ट आपका आपको दिखाने के लिए। देखो बन गया हमारा RTC, बन गया हमारा डिस्प्ले, ठीक है अभी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं उसके बाद मैं इसे फिटिंग कर दूँगा। और एरिया बहुत ही छोटा है मेरा काम का एरिया, सो इसलिए इधर पे ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है भाई, ओके एक सेकेंड अगर आप मेरा कंप्यूटर बंद कर लेता हूँ तो मैं कीबोर्ड के ऊपर रख सकता हूँ, ओके नहीं तो कीबोर्ड में दबता रहेगा। तो इधर पे है हमारा, बाप रे कैसे मैं लेके जाऊँ भाई इधर तक, तो मुश्किल हो गया, चलो फिटिंग कर देते हैं, ठीक है मुझे तो दिख गया इधर पे डिस्प्ले, ठीक है चलो फिटिंग करते हैं, थोड़ा सा फिटिंग करके आपको दिखा देते हैं, ओके इससे आपको भी समझ में आ जाए बोर्ड में डिस्प्ले बन गया है, ठीक है एक सेकंड रुक जाओ,
मैं लगा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, थोड़ा सा जस्ट लगा के आपको दिखा दूंगा। यहाँ भाई डिस्प्ले हमारा बन चुका है, तो हमारा प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, ठीक है। आरटीसी के लिए हमारा बोर्ड डेट था, तो यही है। आपको अगर काम करना, आपको अगर आपका नॉलेज है प्रॉपर, ठीक है, तो आप इजीली काम कर सकते हो। उसके साथ आपका ये स्क्रैप वगैरह भी चाहिए और एक कैपेसिटर बुक चाहिए जिधर से आप कैपेसिटर ले सकते हो, ठीक है। ऐसा रजिस्टर कैपेसिटर का बुक मिलता है, आपको मालूम है राइट, तो वो सब हमें ज़रूर चाहिए होता है, ठीक है, काम के लिए। ये सब काम तो बहुत ही कम आएगा आपके पास, बट जब आएगा, अगर आपने गलत स्टेप ले लिया तो कस्टमर का बहुत ही लॉस हो जाएगा, बिकॉज आपका आप इधर उधर छेड़ बैठेंगे ओके मदरबोर्ड को, और आफ्टर ऑल आपका डिस्प्ले तो कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, जो भी करना है, जो नॉलेज है उसके साथ करना है, ठीक है। नॉलेज आपका सब कुछ है, तो नॉलेज अगर आपका रहेगा तो आप ज़रूर ये सब रिपेयर आराम से कर सकते हो, ठीक है, वो मेरा वादा है आपसे, ठीक है। अब जस्ट वीडियो वगैरह देखते जाओ, नॉलेज गैदर करते जाओ, और मेरा वो लैपटॉप रिपेयरिंग का वीडियो जो मैंने दिखाया है उसे देख लो, तो आप कुछ सब कुछ ये सब कर सकते हो, ओके। तो चलो, बहुत सावधानी से आपके लिए डिस्प्ले लगाते हैं, ओके। बोर्ड में प्रॉपर करंट ले चुका है, चलो बोर्ड ऑन करते हैं, और मैंने फ़ैन भी नहीं लगाया, ये ऑन कर दिया, ओके। बोर्ड में प्रॉपर करंट बनना चालू हो गया, ये देखो डेल, ठीक है, दिख गया आपका डेल। सो आपका डिस्प्ले बन गया, ये नो बूटेबल डिवाइस फाउंड, ओके। सो आपका मशीन रेडी है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और इसका मैंने पहले जो बोल रहा था 500 पे स्टक कर रहा है, एक्चुअली वो डिस्प्ले आ गया था, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 500 पे वो आ गया, ठीक है, 519 इधर पे ही स्टक था, इसका मतलब ये बूट डिवाइस फाउंड कर रहा है और कुछ भी नहीं है। डेल वगैरह में बायोस का थोड़ा ऐसा होता है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हाँ, सीपीयू का हीट सिंक लगा नहीं है, तो मैं बंद कर दूंगा, हीट सिंक नहीं, सॉरी फैन। तो देखो, आप थोड़ा सा वीडियो देखते जाओ, और मेरा नॉलेज जो है, मैं आप जो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, वो नॉलेज आप दिमाग में रखो, ठीक है। मैंने जो वीडियो बनाया ये तो बाद में आएगा, ठीक है, वो वीडियो अपलोड वगैरह हो गया, जस्ट पीडीएफ क्रिएट करना बाकी है, इसलिए वेट कर रहा हूँ, थोड़ा पीडीएफ टाइम लेके पीडीएफ क्रिएट कर लूँगा, उसके बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, जिसमें एवरीथिंग डिटेल्स बताया गया है। उसमें ये आरटीसी का ये सेक्शन भी है, वो पेड कोर्स में आता है, कभी भी कोई भी फ्री में नहीं देगा, तो आप उसे ज़रूर देख लो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करो। एले का ये मॉडल नंबर था LA-K034P, ठीक है, ये मॉडल नंबर था डेल का, लैटिट्यूड का मॉडल, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ऐसे ही नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, सब अच्छे रहो, खुश रहो, ओके, बाय।